भारतीय सिनेमा जगत में पिछले 6 दशक से लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को दीवाना बनाया है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। दीनानाथ जी ने लता को जब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी, उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। लता महज एक दिन के लिए स्कूल गई। इसकी वजह ये रही कि जब वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को लेकर स्कूल गई तो अध्यापक ने आशा भोसले को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वो कभी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों ने मानक उपाधि से नवाजा। लता मंगेशकर ने अपने संगीत सफर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। इन्होंने 1942 में मराठी फिल्म किटी हासल के लिए एक गाना गाया, मगर अंत समय में इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता जी को काम मिलने लगा। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो लता जी को फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गाने गाने का मौका मिला। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। अभी भी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले लता मंगेशकर कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतारती हैं। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती हैं। भारत के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां मानते हैं। आज पूरी संगीत की दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादासाहेब फाल्के अवार्ड, 1999 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 2001 में भारत रत्न, 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 12 बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड और 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अवार्ड लता जी जीत चुकी हैं। लता ने 1948 से 1989 तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जो एक रिकॉर्ड है।